जय हिंद टू ऑल ऑफ यू मैं लाइव मुझे अपने मोबाइल में नहीं दिख रहा सो आई एम नॉट श्योर क्या मैं लाइव हूं आई एम गुड आई एम गुड आप लोग कैसे हो ठीक है दूसरा मोबाइल लेके आना पड़ेगा जय हिंद टू ऑल ऑफ यू स्वागत 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 आप सभी का स्वागत एक ऐसे केस लॉ में एक ऐसे विषय में जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही है जब से 15 अगस्त का हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है लंबे समय से बच्चे मुझसे कह रहे थे कि बिल्किस बानू का जो केस है इसके पीछे का लॉ इसके पीछे का संविधान सर प्लीज बता दीजिए तो आज आर्टिकल 20 का नंबर था क्योंकि कल हम लोगों ने आर्टिकल 19 को खत्म कर लिया है लेकिन कोई बात नहीं ये स्पेशल लेक्चर है अगर बच्चे कहेंगे तो मैं निश्चित तौर पर बच्चों को पढ़ाऊंगा ठीक है बहुत अच्छे तो मैं आशा करता हूं मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट होगी मैं आशा करता हूं मैं अच्छा दिखाई दे रहा होगा तो चलिए शुरुआत करते हैं तैयार हो जाइए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप तैयार हैं अगर हैं तो कहिए यस सर वी आर रेडी हम कुछ नया पढ़ने के लिए नया सीखने के लिए तैयार हैं बिना किसी बहाने के जब मैं बिल्किस बानो के केस के बारे में आपको बताऊंगा तो निश्चित रूप से कुछ धाराओं के बारे में बताऊंगा आपके पास कोई लिबर्टी नहीं है इन धाराओं को याद करने के अलावा वॉट डज इट मीन अब तो यूपीएससी डायरेक्ट इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी के सेक्शन पूछता है इसलिए जो बच्चे भागते हैं केस लॉ से जो बच्चे बहाना करते हैं धाराओं से क्षमा करना यूपीएससी अब तुम्हारे लिए नहीं है समझो उतना ही बताऊंगा जितना जरूरी है लेकिन क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने वाले हैं सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने वाले हैं इन धाराओं से आपका पाला पढ़ने वाला है डेली पढ़ने वाला है इसलिए इन धाराओं के बारे में आपको समझना होगा तो चलिए बिल्किस बानो जी के के केस के बारे में हम लोग समझेंगे <गँगा> बिल्किस बानो जी केस के, 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 के बारे में समझने के पहले इससे जुड़े लॉ और संवैधानिक मूल्यों को समझने के पहले हमें यह पता करना बेहद जरूरी है कि बिल्किस बानो जी क्यों इतनी चर्चा में है और क्या हुआ था बिल्किस बानो के साथ देखिए जो बिल्किस बानो जी के साथ हुआ निश्चित तौर पर आजाद भारत में वो सबसे जघन्य पूर्ण अपराध है मानवता को शर्मसार करने वाला है और जिन संवैधानिक मूल्यों की हम चर्चा करते हैं चाहे उसमें समता हो चाहे हम अधिकारों की बात करते हैं हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं उन्हें तार तार करने वाला है उनका माखौल बनाने जैसा है बिल्किस बानो कौन थे बिल्किस बानो गुजरात में जब दंगे हो रहे थे 2002 में तो उसकी एक व्यक्ति हुई थी ऐसा क्या हुआ था बिल्किस बानो के साथ कि आज पूरे देश में बिल्किस बानो के केस की चर्चा है बिल्किस बानो जब दंगाइयों से बचकर अपने परिवार के साथ भाग रही थी तब दंगाइयों ने इन्हें पकड़ लिया इनके परिवार के साथ बिल्किस बानो जी उस समय तीन महीने की प्रेग्नेंट थी इनके पेट में तीन महीने का बच्चा था उसके बावजूद दंगाइयों ने इनके साथ ब्रूटल रेप किया आप समझिएगा रेप ही नहीं ब्रूटल रेप किया गया ब्रूटल रेप इन द सेंस बिल्किस बानो जी का गैंग रेप किया गया बार बार रेप किया गया क्षमा करिएगा ऐसे शब्दों को बार बार बोलना भी शर्मनाक है लेकिन मुझे आपको पढ़ाना है बिल्किस बानो जी का गैंग रेप किया गया और बिल्किस बानो जी की आंख के सामने इनकी तीन साल की मासूम छोटी बच्ची थी उसके सर को पटक कर उनके आंखों के सामने उसकी हत्या कर दी गई बिल्किस बानो असहाय पड़ी थी नग्न अवस्था में पड़ी थी बिल्किस बानो जी के साथ इनके परिवार के इनके साथ के चौदह और महिलाओं के साथ रेप किया गया मोलिस्ट किया गया उनके सामने भेड़ बकरियों की तरह उन्हें काट दिया गया बिल्किस बानो असहाय रूप में पड़ी थी सब देख रही थी बिल्किस बानो जी के साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो इंसिडेंट उद्ध गोधरा कांड के बाद हुआ था जब अयोध्या में राम मंदिर की कार सेवा का जो विषय चल रहा था जब कुछ श्रद्धालु लौट रहे थे तो उन्हें ट्रेन में जला दिया गया था वो हिंदू श्रद्धालु थे दोनों तरफ से बोगियों को पैक करके पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया था जिसके बाद दंगे की आग भड़कती है और आप सभी को पता है बेटा दंगा कभी किसी का फायदा नहीं पहुंचाता चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो दोनों तरफ के लोगों को सफर करना होता है डायरेक्ट एक्शन प्लान भारत पाकिस्तान का बंटवारा और लाखों लाख लोगों की जान इस दंगों की वजह से गई यही बिल्किस बानो जी के साथ हुआ और निश्चित रूप से जब आप बिल्किस बानो जी के जो अपराधी हैं आपने अगर उनके बारे में सुना होगा कि उनको रिहा कर दिया गया तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये जो राज्य रूपी व्यवस्था है महात्मा गांधी जिसकी चर्चा करते थे ये जो पुलिस है ये जो जेल है ये जो न्यायिक तंत्र है ये सब तो विफल हो गया सर क्या फायदा ऐसे तंत्र का पुलिस का जब बिल्किस बानो के बारे में आप बता रहे हैं इतना जघन्य पूर्ण अपराध उनके साथ किया गया और उनके अपराधी छूट गए देखो मेरी बात समझो आप कोई एक आम व्यक्ति नहीं हो कोई पान लगाने वाले पनवाड़ी नहीं हो वॉट डज इट मीन ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर जब आप अपनी राय शुमारी करते हैं जब आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं बेटा तो आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रह सकते व्हाट डज इट मीन बिल्किस बानो जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ लेकिन निश्चित तौर पर इस देश में लॉ चलता है इस देश में संविधान चलता है और बीइंग अ डीएम बीइंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यूपीएससी आपसे उस लॉ को जानना चाहता है तो जब आप इस सेंसिटिव मुद्दे पे अपनी राय सुमारी कर रहे हैं आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो बेटा एक जो व्यवहारिक पक्ष है लॉ का एक जो विधि सम्मत राय है उसे आपको आत्मसात करना होगा अपने जज्बात एक तरफ रखने होंगे जो लॉ है वो दूसरी तरफ रहेगा इन सारे विषयों पर बहुत ही पेचीदगी से और बहुत ही गंभीरता के साथ हम आज चर्चा करेंगे बिल्किस बानो जी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्किस बानो जी के केस से संविधान जुड़ा है इस देश का लॉ जुड़ा है जेंडर जस्टिस जुड़ा है सामाजिक न्याय जुड़ा है तो चलिए मैं बिल्किस बानो जी के केस को लेकर आपके साथ आगे बढ़ता हूं आपको गर्व होना चाहिए आप भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अनएकेडमी ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है जो अन से आपको जोड़ते हैं और देश के जितने बड़े दिग्गज एजुकेटर हैं मुनाल सर सिद्धार्थ सर ललित यादव आत्मा प्रकाश सिंह दैट इज मी वो सभी आपके साथ हैं सो दिस इज आत्मा प्रकाश सिंह डलिस्ट ऑफ लॉ जो आपके साथ है आपको लेकर आगे बढ़ने के लिए और मैं आभार देना चाहता हूं हिंदू अखबार का क्योंकि हिंदू का एडिटोरियल मुझे सबसे अच्छा लगा पढ़ा तो मैं इंडियन एक्सप्रेस का भी था लेकिन मैंने कहा हिंदू के एडिटोरियल से आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे और इन तमाम विषयों पर एक सार्थक चर्चा करने की कोशिश करेंगे क्यों भाई ठीक है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको लगता है तो प्लीज मुझे बता देना क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है नोट्स जरूर बनाना बिना नोट्स के पढ़ोगे बेटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा और मैं बार बार कहूंगा इस बात को अगर यह विषय ना समझ में आए तो बार बार इस वीडियो को देख लेना अनएकेडमी है शिक्षा की क्रांति है कौन सा पैसा लगना है ठीक है तो मैं केवल हिंदू का आभार देकर आगे बढ़ूंगा जो भी मैटर है वो हिंदू से लिया गया है उसमें कुछ मेरे भी एडिट हैं सो द रेमिशन लॉ दैट पेव दी वे फॉर रिलीज ऑफ दिल्कि बानो कन्विक्ट आखिर बिल्किस बानो के अपराधियों को क्षमा क्यों मिली ये जो रेमिशन शब्द है इसके पीछे बहुत बड़ा लॉ जुड़ा है बहुत बड़ी फिलोसफी दर्शन जुड़ी है ये आपको समझनी पड़ेगी ये क्या है चलिए भारत की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाए जाने के साथ ही गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस याकूब रसूल के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के लिए 11 लोगों को आजीवन कारावास के अभियुक्तों को गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया आप कहेंगे सर हम आजादी मना रहे थे ऐसे दुर्दांत ऐसे खतरनाक अपराधियों को जेल से रिहा कर दिया गया हाँ बेटा पंद्रह अगस्त को ही किया गया जब हम सभी मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे उस समय बिल्किस के साथ ग्यारह जो अपराधी थे जिन्होंने गलत काम किया था उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया जैसा कि पंद्रह साल बाद जेल से बाहर आए ग्यारह दोषियों को मिठाई और मालाओं से स्वागत किया गया गुजरात सरकार ने कहा कि उसने सजा की छूट के आवेदनों को मंजूरी देने के लिए उन्नीस की अपनी पुरानी छूट नीति पर भरोसा किया न कि वर्तमान नीति 2014 की देखिए ध्यान से समझिएगा जब ये लोग जेल से निकलते हैं तो इनका स्वागत किया जाता है और इसकी बड़ी भर्सना की जाती है क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई इनको क्यों माला फूल मिठाई से इनका स्वागत किया जा रहा है गुजरात सरकार को क्या ऐसी मजबूरी थी और गुजरात सरकार ने ऐसा गलत फैसला क्यों किया गुजरात की सरकार ने कहा कि हमारे यहां जो रेमिशन पॉलिसी चल रही थी उन्नीस की उस आधार पर इनको रिहा किया गया ना कि 2014 अब आपको समझने की जरूरत है रेमिशन पॉलिसी के बारे में आपका पांच मिनट लूंगा और मैं आशा करूंगा आप सभी अपने नोट्स में जो भी लिखूंगा उसको बेटा लिखेंगे रेमिशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जहां पर बेटा जो अपराधी होते हैं उनको जल्दी रिहा कर दिया जाता है आप कहेंगे सर ये गलत नहीं है मैं कहूंगा गलत नहीं है क्योंकि इसके पीछे संविधान छुपा है देखिए आप चाहे रेमिशन की बात कर लीजिए रेप्राइव की बात कर लीजिए रेस्पाइट की बात कर लीजिए कम्यूटेशन की बात कर लीजिए पार्डन की बात कर लीजिए पैरोल की बात कर लीजिए यह कुछ ऐसी रिलीफ है जो अपराधियों को अगर मिल जाए तो जो उनको सजा मिलनी चाहिए उसमें कटौती कर दी जाती है और यह सारे विषय आप सभी को पता है अगर प्रेसिडेंट पावर के रूप में भी आप एप्रिशिएट करना चाहते हैं तो संविधान में आर्टिकल 72 में दिया गया है आप कहेंगे सर हमको इन सब का मतलब भी एक बार बता दीजिए बिल्कुल बता देंगे वेरी गुड वाह सही कमेंट है, है समझ में आ रही है चीजें देखो जब आप रेमिशन की बात करोगे तो बेटा रेमिशन का मतलब होता है कि जो सेंटेंस आपको मिला है मतलब जितने दिन की जेल मिली है उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा ठीक है लेकिन जेल में जिस कैरेक्टर की जेल आपको मिली है सेंटेंस मिला है उसमें नो चेंज मतलब अगर आपको सश्रम कारावास मिला है मतलब एक होता है रिग्रस इंप्रिजनमेंट एक होता है सिंपल रिग्रस में आप खूब मेहनत कराई जाती है दबा के एकदम खटो समझ में आ रही है बात तो कहने का मतलब है कि केवल सजा को कम किया जाता है और जो नेचर है वो नहीं घटाया जाता है ठीक है यहां तक समझ में आ गया चलो आगे बढ़ता हूं दूसरा विषय क्या है वेरी गुड दूसरा विषय है रेप्राइव रेप्राइव मतलब क्या होता है Suspension of execution of sentence. What does it mean? टेम्प्रोरी रूप में जो आपको सजा मिली है वो रेपराइव में सस्पेंड कर दी जाती है मतलब कहने का मतलब है किसी अपराधी को फांसी मिली और अगर उसे मिल गया तो उसकी फांसी की सजा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाता है उसे उम्र कैद मिली तो कह दिया जाएगा अभी उम्र कैद नहीं शुरू होगी अभी रुक जाओ ऐसे तमाम कारण हो सकते हैं ऐसा क्यों होना है ठीक है अब बात करते हैं बेटा रेस्पाइट की ठीक है रेस्पाइट का मतलब होता है कम सजा दे देना लेसर सेंटेंस मतलब सजा मिलनी चाहिए अपराध की दस साल कोर्ट ने कह दिया या सरकार ने कह दिया ठीक है इनको साल वाली दे दो समझ में आ रही है बात जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति है किसी के साथ कोई स्पेशल ग्राउंड जुड़ा है तो रेस्पाइट में लेसर सेंटेंस दे दी जाती है कम्यूटेशन का मतलब होता है बेटा आपको डेथ मिला आई एम सॉरी टू आपको नहीं किसी अपराधी को डेथ मिला तो उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दी गई कम्यूट कर दी गई लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला नॉर्मल इंप्रिजनमेंट कर दी गई कहने का मतलब है कम्यूटेशन एक तरीके से कम्यूट कर देता है ठीक है अब आता है पार्डन पार्डन मतलब होता है माफी माफी कि जो सजा आपको किसी भी अपराधी को मिलनी चाहिए उस सजा से आपको माफ कर दिया गया पार्डन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है के एम नानावती के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अक्षय कुमार की मूवी क्या मूवी का नाम था उसका वन बुलेट थ्री बुलेट विशुभ द नेशन ऐसे कुछ करके था ना बड़ी अच्छी मूवी थी के एम नानावती ओरिजिनल केस है तो के एम नानावती को महाराष्ट्र के गवर्नर ने पार्डन दे दिया था समझिए मेरी बात को मतलब माफी जो भी सजा मिलनी है माफी अब आप कहेंगे ये रेमिशन रेस्पाइट रिप्राइव कम्यूटेशन पार्डन पैरोल इसकी जरूरत क्या है क्यों अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे अपराधी के तौर पर पूरी सजा मिलनी चाहिए यदि न्यायपालिका ने दी है मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि जो अपराधी है वो भी इंसान है जो अपराधी है उसकी भी खुशियां हैं उसका भी परिवार है उसके भी अपने बच्चे हो सकते हैं उसके पास भी आर्टिकल 21 है आपको समझना होगा कि सजा देने का मूल मकसद क्या है कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है उसे सजा देने का मूल मकसद होता है कि आप सोसाइटी से उसे काट दीजिए काटने का मतलब है दोबारा अपराध ना कर सके लेकिन यदि उसके अंदर इस तरह की संभावना दिखती है कि रिफॉर्मेशन पॉसिबल है तो उसे एक बार फिर से मौका दे दो सोसाइटी में आने दो क्योंकि सजा देने का एक कारण डेटरेंस होता है भय कि कोई व्यक्ति अपराध किया हमने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया तो दूसरों के अंदर भय होगा सजा देने के पीछे एक और थ्योरी काम करती है उस थ्योरी का नाम है रिफॉर्मेटिव थ्योरी यह रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या होती है कोई अपराधी है तो उसे मौका दे दो ना तुम लोगों ने क्रिमिनल जस्टिस टू देखी है कि नहीं देखी है जल्दी से बताओ मुझे ओटीटी पे हॉट स्टार पर क्रिमिनल जस्टिस वन और टू आई कहने का मतलब है जेल कोई मंदिर वगैरह तो है नहीं सत्संग तो चलता नहीं है वहां पे अब कोई सीधा साधा व्यक्ति जिससे पहली बार अपराध जानबूझ के हुआ गलती से हुआ उकसावे में हुआ जैसे भी हुआ वो जेल में गया और जेल में जाने के बाद ओ माई गॉड बड़े बड़े अपराधी चट्टान सिंह हवा सिंह धौलू सिंह ऐसे टाइप लोग बैठे हैं अब सिंह टाइटल वाले मेरे खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं क्या आप सिंह मेरे कहने का मतलब है खतरनाक लोग बैठे हैं जो व्यक्ति पहली बार अपराध किया जैसे भी किया वो उनके बीच में गया और महा अपराधी बनकर बाहर निकला तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहती है कि यदि उसके अंदर संभावना है तो ये जो सारे विषय हैं रेप्राइव कम्यूटेशन पार्डन पैरोल इस पर इनको रिहा कर दो आप कहेंगे ये जो 11 लोग थे आपको लगता है सर इनके अंदर रिफॉर्मेशन की गुंजाइश बची है एक और बड़ा कारण होता है वो बड़ा कारण होता है मान लीजिए जेल में आप चौदह साल रहे इन चौदह सालों में आपका व्यवहार कैसा था आप अभी भी दुर्दार टाइप अपराधी हैं कि आपके अंदर बहुत परिवर्तन हो गया और आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं सारे नियम कायदे को मान रहे हैं आपकी उम्र क्या है क्या आपके पास क्षमता बची है दोबारा अपराध करने की आपके अंदर कितना परिवर्तन हुआ सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियां किस बात की गवाही करती हैं कहने का मतलब है यदि आपको ज्यादा मतलब किसी अपराधी को ज्यादा सजा मिली है और उसे जल्दी आजाद करना चाहती है सरकार तो ये सारे कारण भी हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सरकार कहती है चलो ठीक है तुम आजाद हो जाओ ये सारा विषय रेमिशन के इर्द गिर्द आपको समझना है कि जहां एक और अपराधी को सजा दिलाना भी राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी है वहीं दूसरी ओर यह देखना भी राज्य और पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो अपराधी है वो दानव नहीं बन गया वो महिषासुर नहीं बन गया वो अभी भी इंसान है इंसानियत बची हो सकती है और उससे जुड़ा उसका परिवार है समाज है तो बैलेंस बिठाना है ना बेटा बिल्किस बानो जी से जुड़े जो 11 अपराधी थे उनको रिहा किया गया इस विषय को मैं आगे बढ़ाता हूं मुझे सारे बच्चे बताओ ये जो रेमिशन रेप्राइव रेस्पाइट कम्युनशन पार्टन पैरोल पैरोल पता है संजय दत्त जी को मिलती थी ना संजय दत्त पैरोल पे बाहर आ जाते थे तो ये सारे विषय अपराधियों के पक्ष में होते हैं, ठीक है सारे बच्चे बताओ समझ में आया कि नहीं आया सर निर्भया के साथ भी तो ब्रूटल रेप हुआ था तो उन्हें भी गलती का एहसास था गीता पढ़ने लगे थे क्या उन्हें विराज गुज्जर गीता पढ़ने लगो आप अप, कोई भी व्यक्ति अपराध कर दे दो महीने में जाके बेटा नाटक शुरू कर दे रामायण और गीता पढ़ना शुरू कर दे रामचंद्र जी का रोल करना शुरू कर दे ऐसा नहीं होता नियम है रेमिशन का कब मिलेगा रेमिशन कितने दिन आपको जेल में रहना होगा उसके साथ तमाम कंसिडरेशन है ये तो बड़ा आसान हो जाएगा फिर विराज अपराध करो वहां जाके नाटक शुरू कर दो मैं बताऊंगा ना अभी के लेक्चर में ठीक है ना अब पैरोल अभी बताएंगे तो फिर रेमिशन छूट जाएगा पैरोल पर किसी और दिन चर्चा करते हैं क्या बोलते हो ठीक है ना तो यह समझ में आ गया यह कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर अलग अलग मापदंडों के आधार पर अपराधी की सजा को कम कर दिया जाता है ठीक है चलो द बिल्किस बानो ट्रायल बिल्किस बानो से जुड़ा जो मुकदमा है पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं बिल्किस रिगेन कॉन्शियसनेस आर आफ्टर आर्ट्स एंड दैट द द ऑफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड डिग्निटी बिल्किस बानो जी के साथ जो हुआ उसके काफी देर बाद कई घंटों बाद बिल्किस बानो को होश आता है और वहीं से उसके संघर्ष की दास्ता शुरू हो जाती है संघर्ष न्याय पाने की संघर्ष अपने सम्मान को बचाने की अपने सम्मान के प्रति उन अपराधियों को सजा दिलाने की यह संघर्ष बहुत लंबा है बिल्किस बानो का The state machinery reportedly worked against her as she tried to get the local police to file her complaint. बिल्कुल बानोजी के साथ इतना दुर्दात अपराध होता है, लेकिन पुलिस उनकी मदद करने को प्रथम दृष्टया तैयार नहीं थी। Even after an FIR was filed, it allegedly omitted crucial detail. What does it mean? पहले तो FIR जल्दी दर्ज नहीं हुई, फिर FIR दर्ज हो गई। तो जो बिल्किस का स्टेटमेंट था उसमें से क्रूशियल पार्ट को हटा दिया गया मतलब कोई भी अपराध होता है तो उसके कई पार्ट होंगे ना रेप करना मौका वारदात पर मौजूद रहना लोगों की गवाही करना तस्दीक करना तो ऐसे बहुत सारे क्रूशियल पार्ट को एफ से जान कर गायब कर दिया गया लिखा ही नहीं गया इसके बाद बिल्किस बानो के पास कोई रास्ता नहीं था तो बिल्किस बानो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पहुंचती हैं और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं कि मेरे साथ न्याय किया जाए मेरी गरिमा को प्रतिस्थापित किया जाए दिसंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक डायरेक्शन देती है जहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर केसथ लेटर ऑल ऑलूज वर अरेस्टेड एंडर ट्रायल बिगेन सुप्रीम कोर्ट कहती है लोकल पुलिस गुजरात की पुलिस कुछ नहीं करेगी अब यह मैटर सीबीआई को ट्रांसफर होगा जिस दिन सीबीआई को ट्रांसफर होता है एक महीने के बाद सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है अभियुक्तों को अब अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का यह मतलब नहीं कि वो दोषी थे वो तो ट्रायल वगैरह चलेगा लेकिन सीबीआई बिल्किस बानो का आरोप जिन जिन के ऊपर था और जो लोग चिन्हित किए गए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया अगस्त 2004 में द ट्रायल द्रायल वॉज मूव टू मुंबई एट द ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर बिल्किस टोल्ड द कोर्ट दैट हर फैमिली वॉज लिविंग इन दी शेडो ऑफ डेंजर अनसर्टेनिटी इसके बाद बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हैं कि जो ट्रायल मुकदमा चल रहा है उसे गुजरात में ना चलाकर महाराष्ट्र मुंबई में शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि हमें डर है इस ट्रायल इस मुकदमे की वजह से हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है मारा जा सकता है और क्या गलत होगा और बचाई क्या था सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और ये जो ट्रायल है यह मुंबई ट्रांसफर हो जाता है चार साल ट्रायल चलता है और जो ट्रायल कोर्ट है बेटा बीस में से तेरह लोगों को गुनेगार पाती है सात लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ना पड़ता है जिन ग्यारह लोगों को ट्रायल कोर्ट गिल्टी पाती है उन्हें लाइफ सेंटेंस मिलती है लाइफ सेंटेंस मतलब ता उम्र जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे अब आपको ध्यान देना है बीस में केवल ग्यारह को सजा मिली समझिएगा ठीक है कौन सी सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट सेवन अदर्स वॉर एक्विटेड फॉर वॉन्ट ऑफ जस्टिस अ थ्री ईयर सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट वॉज एवॉर्डेड टू द कॉप हू हैड इनिशली रिफ्यूज टू फाइल बिल्किस बानो कंप्लेट आपको पता है सात लोगों को छोड़ दिया गया ठीक है क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले आपके मन में यह विषय उठ सकता है कि क्यों नहीं सबूत मिले बेटा ट्रायल चल रहा है ना एविडेंस पे मेरिट पर अप्रिशिएशन पर एडमिसिबिलिटी पर किसी को सजा मिलती है किसी के आरोप लगाने पर तो सजा मिलेगी नहीं आप समझिए अजमल कसाब को चार साल ये देश ढोया है करोड़ों रुपए खर्च किए गए तो 20 में से 11 को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गई सात लोगों को छोड़ दिया गया उस पुलिस वाले को भी दोषी माना गया जिसने शुरुआती दौर में एफ लिखने से मना किया उसे भी पकड़ के तीन साल की सजा दी गई कितना पूर्ण मानवता को सरंसार करने वाला अपराध हुआ है बदमाश कहीं के एफ नहीं लिख पाए तुम और बेटा उसे तीन साल की सजा दी गई आप कहेंगे सर गजब आप पूरा फिल्मी बना दे रहे हैं फिल्मी नहीं बना दे रहे हैं कोर्ट बहुत डांटती है पता नहीं तुम लोगों ने कभी ट्रायल देखा है कि नहीं देखा है है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब मुंबई में मुकदमा चला ट्रायल कोर्ट ने दिया तो अपील तो होनी थी इन सभी ने अपील की कहा हाई कोर्ट में 2017 जब ये लोग हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने बेटा इन 11 लोगों की कन्विक्शन और लाइफ इंप्रिजनमेंट को कहा बिल्कुल सही है और ये जो सात लोग छूट गए थे ना ट्रायल कोर्ट ने छोड़ दिया था ना उनको भी पकड़ ली बाप हाई कोर्ट को एस दी एक्विटल ऑफ सेवन अदर डज इट मीन जो छूट गए थे साथ का ये छूटेंगे नहीं, नहीं इनको भी पकड़ के ले आओ ये भी दोषी है दो हजार सत्रह आप समझिएगा टाइम लाइन दो हजार दो में इंसिडेंट दो हजार चार में एफ आई आर दर्ज ट्रायल शुरू दो हजार सत्रह में हाई कोर्ट में अपील करते हैं अभियुक्त तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो को पचास लाख का मुआवजा भी देती है मतलब बाय टाइमिंग वो सब ट्रायल अपील वगैरह चल रहा है ग्यारह लोगों को लाइफ इंप्रिजेंटमेंट मिल गई उस पुलिस वाले को सजा मिल गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्किस को विक्टिम मानकर इतना ग्रोअल जिसे कहते हैं खतरनाक मतलब आप सोच के दहल जाएं। तो बिल्किस बानो को पचास लाख रुपए का कंपनसेशन गुजरात सरकार को कहती है नौकरी और घर ये तीनों चीज सुप्रीम कोर्ट न्याय को और मजबूत करने के लिए बिल्किस के साथ बिल्किस के पक्ष में यह फैसला करती है अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह मिठाई खिलाते हुए जो तस्वीर है वाई वर्दी रेप मर्डर कन्विक्स रिलीज क्यों किया गया भाई ट्रायल कोर्ट ने दोषी माना हाई कोर्ट ने दोषी माना तो क्या जरूरत थी इन्हें छोड़ने की बिल्किस तो कही रही थी ये अपराधी उसके बावजूद इन्हें छोड़ दिया गया अब आपको समझना है इसके पीछे का जो लॉ है ठीक है बताओ भाई कोई दिक्कत अभी तक आमिर अंकल किसी को अरेस्ट करने के लिए कंडीशन होती है अच्छा वेरी गुड तुम लोग आपस में बात कर रहे हैं सर योर क्लास इज गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग वेरी गुड ये तो अच्छी बात है अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट जगने लगे बेटा तो यह संकेत है कि आप सही राह पर चल रहे हैं अब पढ़ाई बोझा लगने लगे अरे इससे अच्छा तो मनरेगा में मजदूरी कर लेते ऐसा होता नहीं है मतलब अगर लगे क्या मजाक चल रहा है मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार घूम रहे हैं फिर रहे हैं मानसून का मजा ले रहे हैं हम पढ़ रहे हैं अगर उसके विपरीत आनंद आने लगे अरे तो है सफलता बहुत दूर नहीं है चलो तो ये देखो ये वो सारे महानुभाव हैं जिनको सजा मिली थी ठीक है हाई कोर्ट ने सजा दी ट्रायल कोर्ट ने सजा दी कितने हैं ये सब एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस एक लग रहा है फोटो से कट गया बेचारा ठीक है अब ये ग्यारह लोग थे जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं इनमें से एक एक्यूज था राधे श्याम भगवान दास साह ये सुप्रीम कोर्ट जाता है जब इसे सजा वगैरह मिल जाती है बाय द टाइमिंग सुप्रीम कोर्ट में जाके कहता है कि जो मेरी रेमिशन प्ली है उसे गुजरात हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया क्योंकि गुजरात ने कहा कि चूंकि मुकदमा महाराष्ट्र में चला है इसलिए महाराष्ट्र में जाइए ध्यान से समझिएगा राधे श्याम को सजा मिल जाती है ग्यारह लोगों में से एक है ये राधे श्याम नाम देखो इसका राधे भी जुड़ा है श्याम भी जुड़ा है पीटना चाहिए नाम तो बदलो अपना खैर है वे ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए राधे श्याम क्या करता है गुजरात हाईकोर्ट में जाता है और कहता है कि जो रेमिशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत हमारी सजा को लेसर डाउन कर देना चाहिए कम कर देना चाहिए गुजरात हाई कोर्ट यह नहीं कहती है कि तुम्हें रेमिशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए गुजरात हाई कोर्ट कहती है सुनो राधे श्याम यहां पर तुम्हारा लोकस स्टैंडाई नहीं है तुम महाराष्ट्र कोर्ट जाओ चूंकि मुकदमा मुंबई ट्रायल कोर्ट में चला है इसलिए महाराष्ट्र हाईकोर्ट जाओ तो राधे श्याम महाराष्ट्र हाईकोर्ट जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चले जाते हैं गुजरात हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ ठीक है सुप्रीम कोर्ट में जब राधे श्याम कहते हैं कि बताइए ये तो गलत है अपराध गुजरात में हुआ हम लोग गुजरात के रहने वाले हैं एफआईआर गुजरात में दर्ज हुई जो व्यक्ति में वो गुजरात की है वो तो बिल्किस बानों के कहने में मुकदमा ट्रांसफर हो गया तो ये कहना गलत है कि जो रेमिशन है वो महाराष्ट्र की सरकार देगी क्योंकि आपको ध्यान देना होगा हमेशा इस तरह के विषय बेटा सरकार के विवेकाधार विवेकाधार विवेकाधिकार पर निर्भर करते हैं वॉट मीन क्या कोर्ट देगी रेमिशन नॉट ऑल क्या पैरोल पर कोर्ट रिहा करेगी नॉट ऑल कम्यूटेशन कोर्ट देगी नॉट ऑल पार्डन कोर्ट देगी प्रे... नहीं न्यायपालिका तो अपना निर्णय दे दी सजा दे दी अब कार्यपालिका ये रेस्पाइट रेप्लाई पार्डन कम्यूट पैरोल ये सब सरकार पर निर्भर करता है तो राधे श्याम कहते हैं कि ये तो गलत है ना गुजरात की सरकार को फैसला लेने दीजिए गुजरात हाईकोर्ट में हमको कहा कि आप महाराष्ट्र जाइए सुप्रीम कोर्ट को राधे श्याम की बात ठीक लगती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है गुजरात की सरकार ही कॉम्पिटेंट सरकार है यह एग्जामिन करने के लिए कि आपको रेमिशन मिलेगा कि नहीं जो नए बच्चे हैं जिन्हें लॉ की जानकारी नहीं मैं फिर से कहता हूं ध्यान से पढ़ लो समझ लो दो अंग है एक अंग है न्यायपालिका जिसमें हमारी देश की जुडिशरी आती है जजेस आते हैं एक अंग है कार्यपालिका जिसमें प्रेसिडेंट आते हैं गवर्नर आते हैं सरकार आती है न्यायपालिका तो सजा दे देती है और एक बार सजा देने के बाद न्यायपालिका उसे छोड़ेगी नहीं मतलब छोड़ेगी नहीं अपीलेट कोर्ट तो छोड़ ही सकती है मान लीजिए ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सजा बरकरार रखी तो क्या अब छोड़ देगी नहीं अब गेंद इनके पाले में है कार्यपालिका के पाले में है जिसके पास राज्य है जिसके पास पुलिस है जिसका एग्जीक्यूटिव हेड बेटा प्रेसिडेंट होता है राज्य में जिसका एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर होता है तुम लोगों ने वो मूवी देखी है कि नहीं देखी अक्षय कुमार वाली उसमें बेटा अक्षय कुमार को जो माफी मिलती है वो तो सरकार से मिलती है तो कहने का मतलब है राधेश्याम के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है गुजरात की कार्यपालिका इस बात का निर्णय लेगी कि राधे श्याम को रेमिशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए इसके साथ सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अहम टिप्पणी करती है जो इस देश के लोग इग्नोर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कहती है दी अपेक्स कोर्ट डायरेक्टेड गुजरात टू consider the फॉर प्री premature रिलीज अंडर दॉलिसी डेटेड नाइन्थ ऑफ जुलाई नाइनटीन नाइनटी टू विच वॉज एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ इस अब मैं आगे नहीं बढ़ने वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको पढ़ाने वाला हूं प्लीज ध्यान देना और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बात मत करना देखो मेरी बात समझो जो लोग गुजरात की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं मुझे गुजरात की सरकार से कोई मतलब नहीं है मुझे संविधान से मतलब है मेरे कहने का यह मतलब है कि गुजरात में रेमिशन को लेकर रेमिशन मतलब अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जल्दी छूट जल्दी छूटना जेल से तो जल्दी छूटने का निर्णय सरकार लेगी यह भी पता चल गया अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है गुजरात की सरकार को चूंकि गुजरात के पास रेमिशन को लेकर दो नियम हैं एक पुराना नियम था उन्नीस का एक नया नियम था 2014 का अब जो लोग गुजरात की सरकार पर उंगली उठा रहे हैं भावनाओं में बहके सेंसिटिव मैटर है बिल्किस के पक्ष में उन्हें यह समझना होगा कि यह गुजरात की सरकार ने नहीं कहा यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो ये 11 एक्यूज थे इनके ऊपर उन्नीस की रेमिशन पॉलिसी अप्लाई होगी अब आपको ध्यान देना होगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा देखिए अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूं आर्टिकल 20 क्लॉज वन अब सब कुछ तो लिख नहीं पाऊंगा समझाऊंगा और आपसे कमेंट सेक्शन में पूछूंगा समझ में आया कि नहीं आया आर्टिकल 21 क्या कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो मैं कल पढ़ाने वाला हूं ठीक है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या कहता है कि यदि 27 अगस्त 2022 को मिस्टर ए कोई भी ऑफेंस करते हैं तो मिस्टर ए को सजा तभी मिलेगी जब इस ऑफेंस को ऑफेंस बतलाया गया है 27 अगस्त को कहने का मतलब है कि यदि ए पी सर किसी एक व्यक्ति को झापड़ मारते हैं आज के दिन तो यदि झापड़ मारने का एक्ट ऑफेंस आज बतलाया गया है आज की डेट में वो अपराध है भारत में तभी तो एपी सर को सजा मिलेगी मान लो यार एपी सर किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां पे झापड़ मारने की कोई सजा ही नहीं है तो एपी सर को सजा दे दोगे पुलिस आएगी तो एपी सर कहेंगे क्या अपराध किए हम कहेंगे झापड़ मारे कहेंगे कहां लिखा है झापड़ मारना अपराध है पुलिस कहेगी हाँ ये बात तो सही है आपको मैं एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ध्यान देना कमेंट सेक्शन भी लेता रहता हूं पता चला समझ में ना आया तो सृष्टि दीक्षित और गायत्री ठाकुर ये दोनों थोड़ा हिंसात्मक टाइप बच्चियां गायत्री तो स्पेशली अब गायत्री ठाकुर लॉ के स्टूडेंट हैं भोपाल में रहने वाली हैं गायत्री ठाकुर को सेक्शन 95 आईपीसी का पता है केवल एग्जांपल के लिए बता रहे हैं सेक्शन 95 कहता है ट्रिफल एक्ट ट्रिफल एक्ट मतलब ट्रिपल एक्ट का मतलब होता है कि जैसे हम जा रहे हैं किसी को धक्का लग जाए कोई गिर जाए अब वो बेचारा दुबला पतला भुजबल है और सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो एपी सर आरजू तोमर है अनिकेत है पृथ्वीराज मंडल है तो हमने उसको धक्का दिया अब हमारा धक्का देना एक बहुत मामूली एक्ट था अब चूंकि भुजबल भाई का कुल योग वेट ही बयालीस तिरालीस किलो है तो भुजबल भाई दूर जाके गिर गए अब भुजबल भाई उठे अपने बाल को संवारे कहे आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे पृथ्वराज मंडल अर्जुन तोमर एपी सर हमने कहा किए क्या है कहे हमको धक्का मार के गिरा दिए जब ये मुकदमा कोर्ट के सामने जाएगा तो कोर्ट कहेगी कि अरे यार धक्का लग गया खुदा एक सौ चालीस करोड़ लोग हैं भारत में इतना क्या माइंड कर रहे हो ट्रिफल मतलब कोई मुकदमा नहीं चलेगा आप समझिएगा ट्रिफल एक्ट को लेकर सेक्शन 95 कहता है कोई मुकदमा नहीं चलेगा आपको छूट है यदि ट्रिफल एक्ट को लेकर अपराध बना दिया जाए कि यदि 40 किलो के कम के किसी व्यक्ति को मोटे ताजे 90 किलो के मेरे जैसे व्यक्ति से गलती से भी धक्का लग जाए तो मुकदमा पंजीकृत होगा अपराध होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं अब ध्यान से समझना एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहता है कि यदि मिस्टर ए को अपराधी बनाना है तो मिस्टर ए के द्वारा किया हुआ कृत अपराध होना चाहिए पॉइंट नंबर वन वॉट डज इट मीन मिस्टर ए के पास इम्यूनिटी है इम्यूनिटी आप समझते हैं ना कि उसे ऐसे किसी कृत्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो कि अपराध नहीं है अब पॉइंट नंबर टू पे चलते हैं ठीक है यदि मिस्टर ए ने 27 अगस्त को जो अपराध किया मान लो वो अपराध है उसके ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए 90 दिन की समय सीमा दी है ठीक है बाय द टाइमिंग जब ये मिस्टर ए अपराध कारित कर लेते हैं तो इस समय सीमा को घटा के 45 दिन कर दिया जाता है तो अब मिस्टर क्या कहेंगे कि जिस दिन मैंने अपराध किया उस दिन मेरा ट्रायल को खत्म करने के लिए 90 दिन की समय सीमा दी गई थी अब आप 45 कर दो 30 कर दो तो गलत बात है ना हम तो सोच के अपराध किए थे कि 90 दिन चलेगा कोई दिक्कत नहीं अब आप 45 कर दिए नहीं ये ट्रायल पर लागू नहीं होगा यह प्रोसीजर पर लागू नहीं होगा देखो एक एक करके समझा रहा हूं ध्यान से समझना पॉइंट नंबर वन मिस्टर ए का किया हुआ कृत्य अपराध होना चाहिए तभी उसे सजा मिलेगी लेकिन यदि कोई प्रोसीजर से जुड़ा चेंज होता है तो फिर मिस्टर ए ये नहीं कह सकते हैं कि जब हम अपराध किए तो प्रोसीजर अलग था आज अलग है कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन इसके साथ एक और ट्विस्ट है यदि प्रोसीजर के बदलने से मिस्टर ए को जो नुकसान हो रहा है यदि उसमें मिस्टर ए को कोई रिलीफ नहीं है तो यदि प्रोसीजर के बदलने से मिस्टर ए को फायदा मिल रहा है प्रोसीजर के बदलने से मिस्टर ए को फायदा मिल रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि मिस्टर ए एंटाइटल्ड नहीं है आप समझ रहे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं समझ में आ जाएगा 1961 में एक केस आया रतन लाल वर्सेस पंजाब अब जिन बच्चों ने कभी देखो लॉ पढ़ा नहीं उनके लिए तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ही ना लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में रतन लाल क्या करते हैं इनकी उम्र है सोलह साल ये एक घर में घुस जाते हैं जबरी और वहां पर एक महिला एक बच्ची के साथ बदतमीजी करते हैं 16 साल के इस व्यक्ति को सजा मिल जाती है सेवन ईयर्स की ध्यान से समझना मिल गई रतनलाल को सजा और रतनलाल गए जेल में बाय द टाइमिंग क्या होता है जब इनको सजा मिल गई तो इस देश में कानून पास होता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 मतलब रतन लाल को सजा मिल गई सोलह साल की उम्र में जो खेला करके आए थे इसके लिए इनको सात साल की सजा मिल गई सजा मिलने के बाद इस देश में कानून पास होता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 जिसमें कहा जाता है कि 16 साल के कम के उम्र के बच्चे को या तो 16 साल या तो 16 साल से कम ना भेजो जेल ठीक है ना रतन लाल को ही पता चल जाता है रतन लाल वापस कोर्ट में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं कहते हैं हमको फायदा दो शुरुआत में तो इनको मना किया जाता है अरे भैया जिस दिन तुम अपराध किए थे उस दिन तो ये कानून था नहीं रतन लाल कहते हैं आर्टिकल ट्वेंटी प्रोसीजर में बदलाव से बाद में अगर हमको फायदा मिल रहा है तो दो हमको फायदा और तुम लोगों को जान के आश्चर्य होगा सजा मिलने के बाद ये वाली रतन लाल को इस कानून में फायदा मिलता है अब तुम कहोगे सर ये तो उन्नीस का मुकदमा है अरे बेटा ये उन्नीस सुप्रीम कोर्ट का है ना अपील में समय लगता है ना इतना समझ में आया कि नहीं आया तुम केवल नो बोल सकते हो मैं फिर से समझाऊंगा ठीक है बताओ अरे तुम लोग निर्भया के पीछे क्यों पढ़े हो यार निर्भया वाले मुकदमे को भी पढ़ लेंगे अभी बिल्किस बानो पढ़ रहे हैं बताओ भाई क्लियर बहुत अच्छे नो क्लियर नो क्लियर मैं फिर से समझाता हूं नो मेरी बात समझो बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या कहता है अपूर्वा किस बच्चे ने नो कहा मुझे उसका नाम जानना है ध्यान से समझो अपूर्वा शिवम केवल दो बच्चों को लेते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहता है आपको उसी नियम के अनुसार सजा मिलेगी जो नियम जिस दिन अपराध किया गया उस दिन अस्तित्व में था अगर किसी व्यक्ति ने 27 अगस्त 2022 को कोई एक अपराध किया तो पॉइंट नंबर वन वो अपराध उस दिन अपराध होना चाहिए डिक्लेयर सरकार के द्वारा समझ में आई बात और दूसरा विषय जब प्रोसीजर की बात करेंगे तो प्रोसीजर में बदलाव संभव है मतलब जरूरी नहीं कि 27 अगस्त 2022 को किए हुए अपराध का प्रोसीजर उसी तर्ज पे फॉलो किया जाए जो बाद में रहे मतलब उसमें चेंज किया जा सकता है आपको समझना होगा मैं इतना क्यों आर्टिकल 21 पे जोर दे रहा हूं कि जब राधे श्याम सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार नहीं गुजरात की सरकार रेमिशन के फैसले पर अपना निर्णय ले और गुजरात की सरकार कहती है हाँ ठीक है गुजरात की सरकार लेगी तो सुप्रीम कोर्ट कहती है उन्नीस की रेमिशन पॉलिसी ही राधे श्याम और इनके दस साथियों पे लगेगी क्योंकि जब अपराध कारित किया गया 2002 में तो उन्नीस की पॉलिसी चल रही थी 2014 की पॉलिसी तो बाद में आई है ना बेटा और 2014 की पॉलिसी से राधे श्याम और इनके 10 लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं इनकी रेमिशन की एप्लीकेशन उन्नीस के नियम के अनुसार कंसिडर करो ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने नहीं किया जो बच्चे गुजरात की सरकार पर जो लोग गुजरात की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट गुजरात के सरकार के अधीन नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि गुजरात से जुड़ा दंगा बिल्कि बिल्किस और, और बिल्किस के घर वालों के साथ हत्या रेप जैसा जो अपराध हुआ वो 2002-3 में हुआ और उस समय रेमिशन पॉलिसी उन्नीस सौ की चल रही थी तो मैंने आपसे कहा कि अगर ट्रायल के चेंज होने से फायदा नहीं मिल रहा है या फायदा मिल रहा है तो अभियुक्त को फायदा जाना चाहिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ जल्दी बताओ मासूम मासूमता शिवानी गरिमा ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा हरियाणा वर्सेस जगदीश का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का ही है वहां पर रेमिशन को लेकर क्या कहा गया ध्यान से समझो कहा गया

बेनिफिट दो अब आप बताओ यदि यह रिलीज हुए उन्नीस सौ बानवे की पॉलिसी के आधार पर तो क्या गलत हुआ मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या सुप्रीम कोर्ट इन ग्यारह लोगों के लिए लॉ बदल दे क्या सुप्रीम कोर्ट हरियाणा वर्सेस जगदीश के अपने प्रोनाउंसमेंट को बदल दे क्योंकि देश की जनता और देश की जनता के जो सेंसिटिवनेस है वो कुछ और चाहता है ऐसा तो हो नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट तो लॉ ऑफ द लैंड से चलेगी लॉ ऑफ द लैंड कह रहा है कि जिस दिन जो अपराध हुआ है उस दिन जो रेमिशन की पॉलिसी थी उसके अनुसार उनका रेमिशन डिसाइड करो दो मत डिसाइड करो देना ना देना सरकार के हाथ में है, ठीक है जल्दी बताओ सारे बच्चे ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छे साबाश अच्छा जो बच्चे मेरा टेलीग्राम चैनल बार बार पूछते हैं अभी तुम कमेंट सेक्शन में देखोगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल पिन है है ना क्या लिखा है लिखा है लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी फॉलो आत्मा प्रकाश तो सारे बच्चे जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि इसका पीडीएफ कहां देंगे वहीं देंगे तुम लोग हमसे कहां कहोगे कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए यूट्यूब पर तो कोई मित्रता याद रिश्तेदारी है नहीं कौन आया कौन चला गया हाँ टेलीग्राम पर है तो ये बिल्किस बानों का विषय टेलीग्राम पर हमसे कहा गया था पढ़ाने को तब आज पढ़ा रहे हैं सारे बच्चे उस लिंक पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो चलो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गुजरात की सरकार इस विषय पर निर्णय लेगी उन्नीस सौ की पॉलिसी के आधार पर गुजरात की सरकार ने बेटा कमेटी बनाई उसमें आई ऑफिसर को रखा एमएलए को रखा और कई लोगों को रखे कमेटी ने सर्वसम्मति से कहा कि इन लोगों को रिलीज कर देना चाहिए इन लोगों को रिलीज कर देना चाहिए समझ में आ रही है बात कमेटी ने सारे एस्पेक्ट को कंसीडर किया और कहा इन लोगों को रिलीज कर दो और स्टेट ने कमेटी की बात को मान लिया अब स्टेट चाहती तो नहीं मान सकती थी ये स्टेट के ऊपर है रेमिशन को यह अधिकार नहीं पहले ही बता रहा हूं देखो मेरी बात समझो क्या रेमिशन पर आजाद होना अधिकार है पार्डन कम्यूटेशन मिलना क्या अधिकार है बेल मिलना नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या अधिकार है नहीं ये डिस्क्रिशन पर है बेल कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है रेमिशन पार्डन कम्यूटेशन रेस्पाइड रिप्राइव ये सरकार के डिस्क्रिशन पर है और मैंने तुम्हें चार पांच कारण बता दिए कि सरकार क्यों रिहा करेगी उम्र देख के रिहा करेगी तुम्हारी क्षमता की मतलब अब कोई अस्सी साल का ऐसे ऐसे बुढा है और सरकार करिए क्या अपराध करेगा खुद खुदा पांच लोग इसको पकड़ के लेके चलते हैं छोड़ो यार इसको रेमिशन पर आजाद करो ये भी एक कंसिडरेशन है तीसरा कंसिडरेशन है कि जो व्यक्ति जेल में लंबे समय से बंद है उसके परिवार की क्या स्थिति है मान लो बेटा उसका परिवार एकदम बुरी हालत में है उनका भी तो ख्याल रखना है तो ऐसे तमाम आधार हैं तो जब कमेटी ने गुजरात की सरकार से कहा कि इन्हें आजाद कर लो तो सरकार ने इन्हें एक्सेप्ट किया और इन्हें आजादी के लिए फैसला दे दिया तो अब कंट्रोवर्सी क्या हुई जब सरकार ने इन्हें आजाद किया तो क्या कंट्रोवर्सी हुई वो गलत कंट्रोवर्सी हुई मैं फिर से रेमिशन के बारे में बतलाता हूं रेमिशन इज द शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंस शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंस मतलब आपको लाइफ इंप्रिजेंटमेंट मिली और चौदह साल के बाद ही आपको आजाद कर दिया गया मतलब ताउुम्र जेल की सलाखों के पीछे रहना था ठीक है यार चौदह साल में रिहा कर दिए मतलब जो सेंटेंस मिला उसे शॉर्ट एन कर दिया गया यही रेमिशन है इट इज नॉट राइट मैंने आपको बता दिया यह कोई अधिकार नहीं है यह कार्यपालिका का डिस्क्रिशन है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस महेंद्र सिंह के केस लॉ में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है सरकार छोड़ेगी रेमिशन पे नहीं छोड़ेगी उसके ऊपर है रेमिशन को लेकर जो लॉ जिम्मेदार है वो अंग्रेजों के जमाने का कानून है वो आज भी इस देश में चलता है उसका नाम है प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 प्लीज इसे लिख लो अपनी कॉपी में ठीक है ना प्रिजन एक्ट ऑफ़ 1894 रेमिशन की जो परिभाषा देता है दैट इज रूल फॉर द टाइमिंग इन फोर्स रेगुलेटिंग मार्क्स टू एंड टू शॉर्टनिंग ऑफ देंटेंस ऑफ प्रिजन इन जेल ठीक है ना यह परिभाषा है ठीक है ना सो इट्स एन आउटकम ऑफ स्टेट एफर्ट टू रिफॉर्म क्रिमिनल जस्टिस एंड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट अब समझिएगा मेरी बात को क्रिमिनल जस्टिस को रिस्टोर करना वॉट मीन मैंने आपको शुरुआत में लेक्चर के कहा कि किसी व्यक्ति से अपराध हो गया है तो वो महिषासुर थोड़ी ना बन गया अगर गुंजाइश है तो उसके साथ भी न्याय कर दो और दूसरा विषय क्या है बेटा ह्यूमन राइट्स भारत का संविधान ही नहीं दुनिया यूडीएचआर की बात कर लो आई डबल सी पी आर की बात कर लो आईसी सी एस सी आर की बात कर लो दुनिया भर के जो दस्तावेज है कन्वेंशन है ट्रीटी है ये सभी कहते हैं उद्घोषणा करते हैं कि जो जेल में बंद कैदी हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करो तुम लोगों को तो मैंने कितने केस लॉ पढ़ा दिए यूट्यूब पर आज अट्ठाईस लेक्चर है ये सारा जो खतरी वगैरह का केस है सुनील बत्रा का केस है हुसैनरा खातून का केस है ये जेल में बंद कैदियों के लिए ही तो है सुप्रीम कोर्ट की देन तो कहा गया कि क्रिमिनल जस्टिस के लिए ह्यूमन राइट right को प्रोटेक्ट करने के लिए यह रेमिशन दिया जा सकता है और यह कौन तय करेगा यह तय करेगी सरकार अब रेमिशन कितने तरीके के होते हैं भाई रेमिशन पढ़ रहे हैं तो यह भी तो जरूरी है एक होता है बेटा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल एक होता है वैधानिक स्टेच्यूटरी और एक होता है जो जेल मैनुअल के हिसाब से दिया जाता है कल को आपसे पूछा जाएगा रेमिशन कितने तरीके के तो आप कहेंगे रेमिशन तीन तरीके के होते हैं पहला ठीक है चलें अब मैंने आपको बताया कि अगर मैं संविधान की बात करता हूं तो रेमिशन रेस्पाइट रे का कम्यूटेशन पार्डन ये प्रेसिडेंट गवर्नर की शक्ति है आपको पता है गवर्नर के साथ एक लिमिटेशन है कि डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपका पॉलिटी का सिलेबस तो यूट्यूब पे खत्म कर देंगे ये पक्की बात है ठीक है तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर रेमिशन खोजोगे तो आपको मिलेगा आर्टिकल सेवेंटी में आर्टिकल वन वन में आर्टिकल सेवेंटी टू प्रेसिडेंट के लिए है आर्टिकल वन वन गवर्नर के लिए है. ठीक है ये पावर है अब आपको पता है प्रेसिडेंट और गवर्नर किसके कहने पर काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर काम करता है खैर ये पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर की है आगे बढ़ते हैं अब दूसरा रेमिशन का क्या पार्ट था वो था स्टैचूट्री मतलब जो संविधान में नहीं है किसी लॉ में दिया हुआ है तो अगर स्टेचुट्री रेमिशन की बात करोगे तो बेटा एक ही कानून जिम्मेवार है उस कानून को कहते हैं सीआरपीसी सीआरपीसी की धारा चार और धारा चार क्या कहती है धारा 432 और 433 बेटा राज्य सरकार को केंद्र सरकार को यह ताकत देती है कि किसी भी अपराधी के सेंटेंस को सस्पेंड या रेमिट कर सको डायरेक्ट प्रोविजन बता रहा हूं 432 और 433. राज्य सरकार को यह शक्ति देगी कि सस्पेंशन और रेमिशन अब मैं मतलब बता चुका हूं रेमीशन का बार बार क्या ही बतलाना क्यों ठीक है लिख लिया सभी ने वेरी गुड देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा 72, 161 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब क्या पढ़ रहे हैं चार सौ बत्तीस चार सौ तैतीस आप पूछोगे सर याद करना है मैं कहूंगा हां यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये सीआरपीसी का ठीक है याद करना है इसे आपको अब जेल आपको पता होना चाहिए कि सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्कोडेंट लिस्ट जो जेल का सब्जेक्ट है बेटा वो स्टेट लिस्ट का मैटर है तो अब जेल में बंद यदि कोई व्यक्ति है तो उसको रिहाई का फैसला तो राज्य सरकार ही कर सकती है मानते हो कि नहीं मानते हो भाई बनारस की जेल में कोई व्यक्ति बंद है और उसे आजाद करना है तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार तय करेगी तो आप कहेंगे सर केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है केंद्र सरकार का भी रोल है कैसे रोल है यदि अपराध केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया है या केंद्र सरकार के किसी लॉ के खिलाफ किया गया जैसे एक सीबीआई को लेकर लॉ है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट मेरे जो रेगुलर बच्चे हैं उन्हें इसके बारे में जानकारी होगी अब किसी अपराध की जांच और सजा इस कानून की मदद से की गई वॉट डज इट मीन सीबीआई इन्वॉल्व है दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व है और वो व्यक्ति बंद है बनारस की जेल में मेरे शहर में तो जब उसे आजाद किया जाएगा तो केंद्र सरकार से पूछा जाएगा अपराध दो सरकारों के खिलाफ हो सकता है केंद्र सरकार के खिलाफ हो सकता है राज्य सरकार के खिलाफ हो सकता है बनारस में कोई व्यक्ति बेटा विद्रोह करवाता है लोगों से कि माननीय मोदी जी की सरकार को उखाड़ के फेंक दो पार्लियामेंट जला दो तो यह अपराध किसके खिलाफ हुआ केंद्र सरकार के खिलाफ हुआ वही अपराध यदि राज्य सरकार के खिलाफ किया जाएगा तो आप कहेंगे सर तो राज्य सरकार के खिलाफ हुआ तो केंद्र सरकार का रोल है तो बेसिकली प्रिजन चूंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो इस पर निर्णय स्टेट लेता है जैसे गुजरात की सरकार ने लिया लेकिन केंद्र की सरकार से भी पूछा जाता है अब जो बच्चे अभी यूपी एपीओ का एग्जाम देके आए होंगे उनको पता होगा यही सवाल यूपी एपीओ में पूछा गया था कि 432 थर्टी टू एम्पावर्स दी गवर्नमेंट ये अप्रोप्रियट गवर्नमेंट क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं कि 432 कहती है कि रेमिशन पर आजाद किसे करोगे जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सही लगे तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी केस में स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी किसी केस में सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी तो अब आपने क्या पढ़ लिया 432, 433 और 434 ठीक है कि 432 कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही रेमिशन करेगी जैसा सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की सरकार के लिए कहा ठीक है अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है रेमिशन को लेकर जैसे अभी एक बच्चा कह रहा था ना कि कोई व्यक्ति रेप करे मर्डर करे और जेल में जाके गीता की कसम खाने लगे रोज गीता पढ़ता है और पढ़ाता है तो क्या उसे आजाद कर दोगे नहीं नहीं करोगे क्यों नहीं करोगे देखो मैं बतलाता हूं वर्णिका शिवानी गरिमा सृष्टि लिख रहे हो तुम लोग कार्तिके योगता अनोखी देखो समझो मेरी बात को जब आप 432, 433, 434 में कह रहे हो कि रेमिशन पर आजाद करने का अधिकार सरकार का है तो क्या सरकार आंख बंद करके नहीं नियम है क्या नियम है 433 ए रेस्ट्रिक्शन पुट करता है क्या रेस्ट्रिक्शन पुट करता है इट डील्स विद द पावर टू कम्यूट सेंटेंस हाउ एवर स्टेट आ प्रिजनर शेल नॉट बी रिलीज बिफोर फोर्टीन ईयर्स ऑफ अंडर गोइंग सेंटेंस इन द केसेस ऑफ टू काइंड ऑफ लाइफ कन्वेट दो गिल्टी ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ एंड दोज विद डेथ सेंटेंस वर कम्यूटेड टू द लाइफ इंप्रिजमेंट अंडर सेक्शन फोर थर्टी थ्री ध्यान से समझना कौन आजाद होगा जल्दी वो व्यक्ति आजाद होगा जो इन दो कैटेगरीज में नहीं आता मैं लिख के बतलाता हूं जल्दी आजादी सृष्टि किसे मिलेगी बेटा सृष्टि कहेगी सर हर अपराधी को मिल जाएगी बसरते वो अपराधी ऐसा अपराधी ना हो जिसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें किया है जिसमें सजा डेथ पेनाल्टी है लेकिन उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली अब ध्यान से समझना जैसे कोई अपराध होता है आप मर्डर की बात कर लो सेक्शन 302 आईपीसी तो बेटा मर्डर की सजा एक तो डेथ पेनाल्टी है फिर लाइफ इंप्रेजनमेंट है ठीक है ना या 10 साल से ज्यादा ऐसे समझ लो तो कुछ भी मिल सकता है तो यदि मान लीजिए मर्डर के अपराध में लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली है डेथ मिल सकती थी और उस व्यक्ति ने अपराध करके लाइफ इंप्रेजनमेंट को पाया तो जब तक वो चौदह साल की जेल नहीं बिता लेगा उसे जल्दी आजाद नहीं किया जाएगा समझ में आ रही है बात मैं फिर से समझाता हूं मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर किया मिस्टर ए को डेथ पेनाल्टी मिल सकती थी लेकिन कोर्ट को लगा कि कोई बात नहीं डेथ पेनाल्टी नहीं देते हैं इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट देते हैं अब मिस्टर वहां जाके एकदम गजब नागरिक बन गए रोज सबको संविधान पढ़ाते हैं गीता पढ़ाते हैं रामायण के पात्रों का रूपांतरण करते हैं सरकार को लगा अरे प्रभु का अवतार हुआ जेल में इनको जल्दी छोड़ दो ना 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 जब तक मिस्टर ए चौदह साल बिता नहीं लेते हैं तब तक इनको रिहा नहीं किया जाएगा बताओ जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया ठीक है शालू वेरी गुड अब दूसरी कंडीशन क्या है दूसरी कंडीशन ऐसी है मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर किया और मिस्टर ए को डेथ पेनाल्टी मिल गई मतलब मृत्यु दंड मिल गया बाय द टाइमिंग क्या हुआ सरकार ने इनकी डेथ पेनाल्टी को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कम्यूट कर दिया समझना मेरी बात को। कोर्ट ने दी थी इनको डेथ पेनाल्टी लेकिन इनकी डेथ पेनाल्टी का कम्यूटेशन हो गया लाइफ इंप्रिजनमेंट में अब मिस्टर ए फिर से जुगाड़ लगाते हैं कि जब लाइफ इंप्रिजेंटमेंट मिल गया तो अब तो हमको रेमिशन भी मिल सकता है नहीं 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 मिस्टर ए जब तक चौदह साल नहीं बिता लोगे पानी लिया जब तक चौदह साल नहीं बिता लोगे तब तक जेल से आजादी नहीं मिलेगी तो सरकार किसी को भी नहीं आजाद कर सकती किसी को कर देगी आजाद ये लोग कब आजाद हुए 2005 में हुए 8 में हुए 12 में हुए 17 नहीं ये लोग आजाद हुए 2022 में समझने हैं बात को सरकार पर आरोप लगाना कितना अच्छा है अरे सरकार ऐसी है बिल्किस के साथ अन्याय हुआ अरे या तो आप लॉ ऑफ द लैंड चेंज कर दो 433 ए खत्म कर दो राज्य सरकार से शक्ति छीन लो सुप्रीम कोर्ट की बात मत मानो सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णय को ना मानो केवल बिल्किस के अपराधियों को सजा दिला दो तो बेटा ऐसा नहीं होता ये सारे प्रोविजन मैं क्यों समझा रहा हूं आप लोगों को कि आपके अंदर मैच्योरिटी आए लोग कहते हैं ना रेप विक्टिम को अरे रेप को बीस चौराहे पर खड़ा होकर फांसी दे दो मतलब जैसे ही उसके ऊपर आरोप लगा उसको मारते हुए ले जाओ और चौराहे पर बेटा उसको फांसी दे दो क्यों गलत आरोप नहीं हो सकता है क्या रेप सोची समझी प्लानिंग के बाद ही किया जा सकता है गुस्से आवेश बदला लेने में नहीं किया जा सकता है आप बेटा गिल्टी माइंड को पनिश करते हैं ना समझिएगा इसीलिए अगर कोई रेप का एक्यूज है तो प्रॉपर ट्रायल चलाओ उसके खिलाफ और यदि उसको सजा मिलती है कोर्ट के माध्यम से तो उसको अगर सूली पे चढ़ाना है सूली पे चढ़ा दो अब आप जानते हो इस देश का लेमैन क्या कहेगा ऐसा भी लोग कहते हैं चौराहे पे जाके इनको चौप चौप कर दो तो हम कहते हैं कि संविधान को उठा के जला दो पहले क्योंकि अगर उसके साथ चौप चौप हो सकता है तो हमें हम से किसी के साथ चौप चौप हो सकता है चौप चौप करने में सुनना थोड़ी ना है चौराहे पे ले जाओ चौप चौप कर दो क्यों भाई बताओ ठीक है समझ में आ रहा है मोबाइल बहुत अच्छे सबके नोट्स बन रहे हैं तो आपको प्रॉपर ट्रायल को फॉलो करना होगा ना अजमल कसाब को कितने लोगों ने देखा था गोली चलाते मैंने तो लाइव देखा था मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था अजमल कसाब आया और अजमल कसाब ने लोगों को मारा मैंने देखा मेरा मन किया इसको तो तुरंत गोली मार देनी चाहिए आखिर क्या जरूरत थी कि अजमल कसाब के ऊपर ट्रायल चला क्योंकि बेटा अगर अजमल कसाब को तुम तुरंत गोली मार देते सब जानते थे वो दोषी है कौन नहीं जानता था तो बेटा इसका क्या दूरगामी परिणाम होता दूसरे केसेस में भी लोग कहते हैं कि तुरंत गोली मारो अजमल का को क्यों मारे तो पूरी व्यवस्था का पालन किया गया और कहा गया कि पूरा का पूरा तंत्र फॉलो किया जाएगा लोअर हाई सुप्रीम रिव्यू वगैरह सब कुछ ठीक है तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं अच्छा ठीक है इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट विषय है नहीं तो आप कहोगे कि मैं गुजरात के सरकार की पैरवी कर रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है एप्लीकेशन इन द बानो केस ये आपको समझना होगा मेरे साथ थोड़ा सा और है जब गुजरात की सरकार ने फैसला लिया कि इन ग्यारह लोगों को आजाद कर दो तो अरे भाई साहब बवाल हो गया देश में सारे जो जूरिस्ट हैं, आम आदमी है सभी सरकार को कोसने लगे ठीक है ना कि ये लोग जेल के बाहर कैसे आ सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए हमने उन्नीस की पॉलिसी को फॉलो किया है और उन्नीस की रेमिशन पॉलिसी कहती थी कि, कि किसी व्यक्ति को रेमिशन पर आजाद करते समय उसने क्या अपराध किया है इस बात को कंसीडर ना भी किया जा सकता है व्हाट डज इट मीन रेप किया मर्डर किया डकैती की रॉबरी की देश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया उन्नीस सौ बानवे का लॉ यह कहता था बेटा कि ये सब सोचने की जरूरत नहीं है अगर तुमको लगता है कि उसे रिहा कर देना है तो कर दो बेसिकली ये जो कंसिडरेशन आया ये दो हजार चौदह में आया कि जो व्यक्ति गैंग रेप का आरोपी है जो व्यक्ति मर्डर का आरोपी है उसे प्री मैच्योर रिलीज मत करो तो लोगों ने कहा कि आप दो हजार चौदह का लॉ क्यों नहीं मान रहे हो तो राज्य सरकार ने काम सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं क्या सुप्रीम कोर्ट कह रही है के लॉ को फॉलो करो जब इन लोगों ने अपराध किया तो उन्नीस का लॉ चल रहा था तो हम टाइम मशीन से पीछे चले जाए क्या यह तो 2014 का विषय है और सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा है कि उन्नीस के लॉ को फॉलो करो रेमिशन को लेकर उस लॉ में ऐसा कुछ नहीं था गैंग रेप वगैरह मर्डर वगैरह तो गुजरात की सरकार का पक्ष गलत नहीं है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कहा था सारे राज्यों से और सारे केंद्र शासित प्रदेशों से कि ग्रांट ऑफ स्पेशल रेमिशन उन लोगों को दो आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ पर जो चौदह साल वगैरह बिता चुके हैं जेल में पड़े हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हमसे कह रही थी कि आजाद कर दो इन लोगों को आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ बनानी है ठीक है The guidelines specified that special remission was not to be granted to 12 categories of convict, which included prisoner convicted for the offence of rape. लेकिन उसी Ministry of Home Affairs की guideline ये भी कहती थी special grant उनको मत दो जो rape के victim हैं। तो गुजरात सरकार कैसे दे दी? सवाल तो उठना है, लाजमी है। लोगों ने ये सवाल पूछा। ठीक है गुजरात की सरकार से गुजरात के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे राजकुमार साहब उन्होंने कहा कि ये जो गाइडलाइंस थी ये बिल्किस बानो के केस पर अप्लाई नहीं होती है क्योंकि खुद भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने हमसे कहा है कि उन्नीस की पॉलिसी को फॉलो करो तो मिनिस्ट्री ऑफ आफ होम अफेयर की गाइडलाइन में लिखा है कि रेप को, को मत आजाद करो लेकिन गुजरात की सरकार कह रही है कि हम तो सर्वोच्च न्यायालय से बंधे हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि उन्नीस के नियमों का पालन करो और उन्नीस में में मैटर नहीं करता था कि किसी व्यक्ति को जिसे रेमिशन पर छोड़ा जाना है उसने क्या अपराध किया है तो अब मैं तुम सभी बच्चों के निष्पक्ष कमेंट चाहता हूं कमेंट बॉक्स में कि क्या इनका छूटना सही था या गलत देखो सुधार की गुंजाइश है आप कह दो सर ऐसा लॉ बनना चाहिए सारी स्टेट में बनना चाहिए जहां पर इस तरह के ग्रोअल सम जो मानवता है कुछ शर्मसार करने वाले अपराध के अपराधी हैं वो जेल से बाहर ना आ पाए जितनी सजा मिली है उतनी ही भोगे लेकिन अभी क्या कर सकते हैं मजबूर है हम ठीक है सही था सर वेरी गुड सभी बच्चों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया देखो मैं रोज सुबह दस बजे आ रहा हूं यही सेम जगह यूट्यूब पर क्लास होती है यूट्यूब पे दस बजे कभी कभार नहीं हो सकती है तो फिर वो अलग बात है और फिर रात को दस बजे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आता हूँ पॉलिटी के एमसीक्यू लेकर ठीक है कल हम लोगों ने मॉक किया मेरा टेलीग्राम चैनल ऊपर है हमसे मत पूछो ऑलरेडी लिंक्ड है पिन है उस पर क्लिक करो और जुड़ जाओ किसर टेलीग्राम चैनल दे दीजिए ठीक है अब फिर वही बात तो बेटा अजमल कसाब में मानवता शर्मसार नहीं हुई क्या करोगी वो जो बिल्कुल जिंदा जला दिया गया वहां भी मानोता सरमसार हुई तो ये तो ये हमें और तुम्हें बेटा जागना होगा लॉ ऑफ द लैंड किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बदलता है मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दू ध्यान से समझना मानवता वहां भी शर्मसार हो जाएगी पैंसठ साल की महिला प्रोफेसर ने बनारस में सड़सठ साल के अपने पति रिटायर्ड प्रोफेसर पर यह आरोप लगाया शादी के बयालीस या चालीस साल बाद कि हमारे साथ दहेज प्रताड़ना की गई अब बताओ मतलब अगर मैं आईओ होता जो एफ लिख रहा था तो पहले हम गिर के हंसते कि मैडम चालीस साल बाद दहेज प्रताड़ना हुई साहब सड़सठ साल के हो गए चल तो पा नहीं रहे कैसे किए पुलिस मजबूर थी लॉ ऑफ द लैंड है क्या करोगे एफ दर्ज की गई उस महिला प्रोफेसर के तुम बताओ क्या यहां मानवता शर्मसार नहीं हुई तो बेटा लॉ के बेनिफिट भी हैं मैरिट भी है डी भी, भी है मैं दूसरा विषय बतलाता हूं सुन के हंसी आएगी मिस्टर ए जिसकी उम्र 21 साल थी उसे सी नाम की लड़की डेली अपने छत पर मिलती है और सी नाम की जो लड़की है बेटा देखने में कम से कम 25 साल की लगती है दोनों में बातें वगैरह शुरू हुई नंबर वगैरह शेयर हुआ दोनों पतंग वगैरह उड़ाते थे छत पे बाय द टाइम इन दोनों के बीच अफेयर हुआ और एक दिन सी ने कहा कि मुझे भगा लो चलो मिस्टर मिस्टर ए ए तो रे ने कहा कि अरे नहीं भागते वगते नहीं है घर वालों से बात करते हैं तुम बालिक हम बालिक अभी मिस्टर सी बता नहीं अरे मैडम सी बता नहीं रही है कि मेरी कुल उम्र पंद्रह साल नौ महीना है ये तो खाते पीते घर से इसलिए पच्चीस साल के लग रहे हैं मिस्टर ए लाख मना कर रहा है लेकिन मिस्टर मैडम सी कह रही है कि अगर मुझे लेकर नहीं चलोगे तो मैं जिस छत पर मिले थे प्रिय उसी छत से कूद के जान दे दूंगी मिस्टर ए ने कहा चलो छोड़ो यार प्यार तो हम भी करते हैं हम दोनों बालिग हैं भाग चलते हैं भाग गए दोनों <laughs> पता चला कि मैडम सी पंद्रह साल आठ महीने की है और मैचर इतनी की पूछो मत मोबाइल इंटरनेट से देख के मिस्टर ए के ऊपर किडनेपिंग का मुकदमा दर्ज हो गया भाई किडनैपिंग का मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ कहा जाता है कि यदि 16 साल के 18 साल के नीचे की किसी बच्ची को लेके गए लाख वो दिखती हो हिस्ट पुष्ट। तुमने किडनैपिंग किया मिस्टर ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे अरे हम नहीं कहे यही कहीं कूद जाएगी इसको देख के कोई कहेगा पंद्रह साल की है हम कोई बात नहीं बेटा मिस्टर ये किडनैपिंग के दोषी हैं अब यहां मानवता शर्मसार नहीं हुई मैंने कहा कि लॉ ऑफ द लैंड को मानना पड़ेगा आपको इन सारे विषयों को पढ़ाएंगे ठीक है सर मम्मी सुन रही है तो बेटा मम्मी सुन रही है तो हम कुछ गलत थोड़ी ना बता रहे हैं मम्मी को भी पता होना चाहिए पापा को भी ये लॉ पता होना चाहिए कि अगर लड़का है तो उसको समझाओ बेटा प्यार इश्क मोहब्बत जब हम बोलें तब करो नहीं तो यू नेवर नो कुछ भी हो सकता है भाई लॉ का प्रोफेसर हूं हाई कोर्ट का लॉयर हूं मैं जो बोल रहा हूं वही लॉ है आई एम अथॉरिटी ट द लॉ मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो यूट्यूब से पढ़ के आया जिसको लॉ की जानकारी नहीं है यूट्यूब से पढ़ के आया मतलब कहने का है कि अर्थ यह है कि जो पूरा नहीं पढ़ा है समझे चलो देखो मेरी बात समझो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल आप लोगों को दे दिया है प्लस और आइकोनिक की जो प्राइस है वो बेटा जीएस कैटेगरी की जीएस लिखा है ना वो दी हुई है बारह महीने 18 महीने चौबीस महीने छत्तीस महीने इसी तरीके से आइकोनिक की दी अभी कल क्या पढ़ाने वाला हूं वो आप लोगों से पूछूंगा इसी तरह बेटा कॉम्बो की फीस प्लस और आइकोनिक दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में प्लस की दी है कॉम्बो की राइट हैंड साइड में आइकोनिक की दी है ठीक है अनएकेडमी ऑप्शनल जो टेन परसेंट का डिस्काउंट है मेरा रेफरल कोड एपी सर टेन है उसके बाद ऑप्शनल कैटेगरी की फीस यह है क्योंकि आप सभी को पता है आन पर इसमें सारे ऑप्शनल के नए बैचेस आ रहे हैं और दुख की बात यह है कि छब्बीस अगस्त के बाद मतलब कल के बाद जो नोट्स है वो केवल आइकॉनिक मेंबर्स को मिलेंगे प्लस के मेंबर्स को नहीं मिलेंगे अन एकेडमी को चिट्ठी लिखो अगर मान जाए तो और अगला कॉम्बेट 28 तारीख को 11 बजे है बेटा 50 सवाल की एक्सरसाइज 60 मिनट इसमें जरूर पार्टिसिपेट किया करो अब मेरा जो अगला सवाल तुम लोगों से है जो बच्चे बहुत हड़बड़ी में रहते हैं ना अरे सर तो प्रचार करने लगे अब चलो अब कहीं और पढ़ेंगे प्रभु उनकी मदद करें सुनो मेरी बात अब मुझे तुम लोग ये बताओ चूंकि मैंने आर्टिकल फाइव पढ़ा दिया आर्टिकल थर्टीन पढ़ा दिया फोर्टीन पर बढ़िया लेक्चर ले लिया आर्टिकल फिफ्टीन कंप्लीट कर दिया आर्टिकल सिक्सटीन कंप्लीट कर दिया ये सारी चीजें मैंने यूट्यूब पे की है आर्टिकल नाइनटीन कर दिया अब मेरे पास दो ऑप्शन है ए या तो कल से मैं आर्टिकल ट्वेंटी की शुरुआत कर दू बी या तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्टोरिकल केस लॉ आप लोगों को मुझसे पढ़ना है अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जिसका ज्यादा एक बच्चा एक कमेंट करेगा एक से ज्यादा करेगा उसे ब्लॉक करवा देंगे ऐसा कुछ नहीं है मुझे जल्दी से बताओ मैं इंतजार कर रहा हूं आराम से तुम्हें समय दे रहा हूं <laughs> अपूर्वा आज शायद सत्ताई, सत्ताईस अट्ठाइस क्लास है बेटा तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमसे बात कर लो ठीक है तो चलो तय हो गया ठीक है कल हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे चर्चा करेंगे ये एक ऐसा केस लॉ है जो आर्टिकल 14 में आंसर आएगा तब तुम्हारी मदद करेगा आर्टिकल 19 में मदद करेगा आर्टिकल 21 में मदद करेगा प्रियम्बल में मदद करेगा इंडिया और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में मदद करेगा मतलब एक केस लॉ न जाने कितनी जगह काम आएगा तो कल का लेक्चर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को समर्पित ठीक है अच्छा नए बैचेस 25 तारीख से शुरू हुए हैं अगले बैचेस कब आएंगे ये मैं बता दूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है किसी भी बच्चे को प्लस और आईकोनिक पर एडमिशन लेते समय यदि दिक्कत है तो वो लोन ले लो कल पूजा ने लोन लिया परसों मयंक ने लोन लिया और एक बच्चे ने कविता का तो कैश था कल वाले ऑफर में तीन बच्चों ने एडमिशन लिया मेरे कहने का मतलब है बहुत जल्दी लोन हो जाएगा केवल पैन और आधार की जरूरत है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एक रुपया का ब्याज नहीं लगना मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो हमसे बात कर लो जीरो परसेंट पर अनअकेडमी लोन दे रही है ठीक है तो अगर पढ़ाई करनी है बेटा तो अन अकेडमी इतनी सुविधा दे रही है बोलो अब चला जाए फिर हाँ कल ठीक है और जो बच्चा इस समय दो साल का एडमिशन लेगा उसे एक साल का एडमिशन अनएकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है यह ऑफर अभी भी चल रहा है कि आप दो साल का एडमिशन लो एक साल अनएकेडमी फ्री दे देगी ठीक है ऑप्शनल कार्निवल जितने भी ऑप्शनल हैं, उन सबको लेकर लाइव बैचेस चल रहे हैं अब तो हम चलते हैं बहुत टाइम हो गया मुझे लगता है कि 80 मिनट की क्लास हो गई ठीक है अब मैं रात को आऊंगा दस बजे और कल सुबह इसी जगह मेनका गांधी जी को लेकर आऊंगा संजय गांधी जी की धर्म पत्नी इंदिरा गांधी जी की बहू वरुण गांधी जी की माता जी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है थैंक यू सो so मच टेलीग्राम चैनल सभी ज्वाइन कर लो कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लेना और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास देखेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्लास कैसी थी कोई डाउट है तो बताना कमेंट सेक्शन में भी तुम मुझसे बातें कर सकते हो मुझे नोटिफिकेशन आ जाती है आई विल रिबर्ट ठीक है सर मैं आज कोप्ता बना रही हूं स्पेशली आपके लिए बहुत जुखाम है ये तो तुम लोग को पढ़ाने में इतनी एनर्जी रहती है नहीं तो कल रात से बहुत तरबियत खराब है चलो हाँ सुल्तानपुर की ठीक है जय हिंद टू ऑल ऑफ यू अब मिलेंगे कल सुबह दस बजे आज रात को दस बजे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर ठीक है थैंक यू सो मच एवरीवन।